हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा हॉल बहुत अलग ही डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपके लिए मेहंदी का हॉल लेके आई हूँ। ये जो भी कुर्ती और प्लाजो में सेट लेके आई हूँ, वो आप किसी की भी मेहंदी फंक्शन में पहन सकती हैं। आप खुद के भी अपने मेहंदी फंक्शन में भी इसको पहन सकती हैं, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मुझे मिली है। उसका ब्रांड लिबास है और मैंने इसे मिंत्रा से परचेज़ किया है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, दिस इज़ अ फर्स्ट पीस। आप देख सकते हैं, ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है। एंड ऑफ सीजन सेल से मैंने इसे परचेज़ किया था। बहुत ज़्यादा कम रेट में मुझे ये मिला था। ये मुझे मिला था 650 रुपीज़ में, बट इसकी एक्चुअल प्राइस आप देख सकती हैं 2199 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा सेट मुझे ये लगा। मतलब किसी की अगर आप मेहंदी फंक्शन पर अटेंड कर सकती हैं पहन के, और आप खुद के अगर आपका मेहंदी फंक्शन में अटेंड कर सकती हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये सेट कैसा है। इसका नेक आप देख सकती हैं, राउंड नेक है, और इस पर ये गोटा पट्टी का पूरा लेस लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाइट कलर का गोटा पट्टी है। एंड इसकी लेंथ पूरी फुल लॉन्ग कुर्ती है। ये पूरे में आप देख सकती हैं गोल्डन प्रिंट दिया गया हुआ है इस पर। ये आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट में ये टाई अप टैसल दिए गए। ये रिबन थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहा है। इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, ये आप देख सकती हैं। एंड इस पर भी गोटा पट्टी का वर्क दिया गया हुआ लगा हुआ है पूरा। एंड इसका साइज़ जो मैंने परचेज़ किया है वो एक्सेल साइज़ है। इसकी एक्चुअल प्राइस मैंने आपको बताई थी कितनी की। सेम प्रिंट आप इसको पीछे भी देख सकती हैं, सेम प्रिंट आपको वैसे ही मिल जाएगा। साइड में स्लीव्स दी गई हैं, स्ट्रेट कुर्ती है। और इसके साथ मुझे प्लाजो भी रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, इस प्लाजो का वो रेयन है, और कुर्ती का प्लाजो, कुर्ती जो इसके साथ थी उसका फैब्रिक भी रेयन ही है। और इसकी बेल्ट आप देख सकती हैं, आगे ये दी गई है बेल्ट, और पीछे ये इलास्टिक दी गई है। इसका नीचे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसका आप देख सकती हैं पूरे में गोल्डन प्रिंट दिया गया है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी चौड़ा है, और इसका आसन भी काफ़ी अच्छा आएगा पहनने पर। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, इसमें आप देख सकती हैं। ये लिबास ब्रांड का है, ब्रांडेड सेट हमेशा अच्छे होते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई ब्लैक कलर का दुपट्टा रखा हुआ हैवी दुपट्टा, तो आप उसको इसके साथ इसको पेयर कर सकती हैं। सो गाइस, दिस इज़ अ नेक्स्ट पीस। आप देख सकती हैं काफ़ी खूबसूरत पीस है। ये भी ग्रीन कलर का है, और ये ग्रीन थोड़ा डिफरेंट ग्रीन कलर है, नियॉन में आ जाएगा थोड़ा। और इसके साथ ये ऑरेंज प्लाजो दिया गया है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है। और इसकी एक्चुअल प्राइस आप देख सकती हैं, इसकी एक्चुअल प्राइस है 2199 रुपीज़। बट ये जो मुझे प्राइस पर रिसीव हुआ वो 650 रुपीज़ में रिसीव हुआ। इसे भी मैंने मिंत्रा से ही परचेज़ किया है, बट इसका भी प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट वगैरह होता रहता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब दिखने में कैसा है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि इसका नेक, और अभी जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसका नेक भी सेम ही है। पैटर्न थोड़ा दोनों का सेम है, देख लीजिए आप। इस पर भी नेक वही दिया गया है पूरा गोटा पट्टी का। इसके आगे भी आप ये देख सकते हैं टाई अप दिया गया हुआ, टाई अप टैसल। एंड इसका भी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है। एंड सेम यहाँ पे भी ये दिया गया है गोटा पट्टी का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बट थोड़ा कलर डिफरेंस दिया गया है, और थोड़ा सा जो इन्होंने कॉम्बिनेशन लगाया है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये छोटे छोटे प्रिंट्स दिए गए हैं गोल्डन प्रिंट्स के, उसमें थोड़े बड़े प्रिंट्स हैं गोल्डन प्रिंट के। एंड दोनों की प्राइस भी सेम है, 650 मुझे रिसीव हुआ है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकती हैं। इसकी भी स्लिप्स काफ़ी अच्छी, काफ़ी लॉन्ग स्लिप्स हैं, और लिबास के क्लोथ्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ब्रांड है तो ब्रांड की तो अपनी एक अलग इमेज होती है, तो आप हमेशा अगर ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। इसका जो प्लाजो है वो आप देख सकती हैं थोड़ा ऑरेंज कलर में आ रहा है, और थोड़ा पीच कलर में आ रहा है, इसे कोरल रेड बोलते हैं। एंड इसके नीचे बॉटम में देखिए पूरा गोल्डन प्रिंट्स दिया गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये गोल्डन प्रिंट्स। और थोड़ा ये आपका इसका जो प्लाजो का घेर थोड़ा कम है, सॉरी घेर कम नहीं है, इसका घेर काफ़ी अच्छा है। आप देख सकती हैं ये देखिए, काफ़ी अच्छा घेरा दिया गया है इसका। ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड इसके भी फ्रंट में आप देख सकती हैं बेल्ट है, एंड पीछे इलास्टिक दिया गया है। साइज़ सेम है, एक्सेल साइज़, और इसका फैब्रिक रेयन है, उसका भी फैब्रिक रेयन है, इसके कुर्ते का भी फैब्रिक रेयन है। और अगर आपके पास पहले से कोई दुपट्टा रखा हुआ है कोरल रेड कलर का या पीच कलर का, तो आप इसके साथ इसको पेयर कर सकती हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूँगी, आप किसी की भी मेहंदी फंक्शन में इसे पहन के जा सकती हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरे एंड में कुछ भी अच्छा लगा हो तो। And don't forget to press the bell button for more upcoming videos. Thank you. Take care. Bye-bye.